दोस्तों, मुंबई इंडियंस के डेवॉन ब्रेविस ने बुधवार को पंजाब किंग्स के खिलाफ कमाल कर दिया। उन्होंने राहुल चहर के एक ओवर में लगातार 4 छक्के जड़ दिए और मैच के रुख को बदल दिया। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 में बुधवार को बेबी एबीडी यानी डेवॉन ब्रेविस की तबाही देखने को मिली। पंजाब किंग्स द्वारा दिए गए 199 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस की शुरुआत बेहतर नहीं हुई, लेकिन इसके बाद जब डेवॉन ब्रेविस क्रीज पर आए तो उन्होंने कमाल कर दिया और एक ही ओवर में 29 रन बना डाले। मुंबई इंडियंस की पारी के 9वें ओवर में जब पंजाब की ओर से राहुल चहर बॉलिंग करने आए, तब उनके साथ ऐसा हुआ कि वो चाहेंगे ऐसा कभी भी ना हो। डेवॉन ब्रेविस ने लगातार 5 बॉल पर बाउंड्री मारी, इनमें से पहला चौका और बाकी 4 छक्के थे। राहुल चहर के इस ओवर में 29 रन बने। डेवॉन ब्रेविस ने अपनी पारी में 25 बॉल खेली और 49 रन दिए। इस धमाकेदार पारी में डेवॉन ने 4 चौके और 5 छक्के लगाए। हालांकि वो अपनी पहली आईपीएल 50 को पूरा करने से चूक गए, लेकिन अपनी टीम को एक बेहतरीन मोमेंट जरूर दे गए। आपको बता दें, सिर्फ 18 साल के डेवॉन ब्रेविस को मुंबई इंडियंस ने 3 करोड़ में खरीदा था। डेवॉन ब्रेविस ने हाल ही में खेले गए अंडर 19 वर्ल्ड कप में जबरदस्त बैटिंग की थी, जिसके बाद पूरी दुनिया का ध्यान उसकी तरफ गया। उनकी बैटिंग स्टाइल, खेलने का तरीका और पावर हिटिंग एबी डिविलियर्स से मिलती है। यही वजह है कि उन्हें बेबी एबीडी कहा जाता है। मुंबई इंडियंस के लिए यह मैच जीतना काफी जरूरी था, क्योंकि उससे पहले टीम लगातार 4 मैचेस गंवा चुकी थी। मुंबई इंडियंस को लगातार झटके लगे और सिर्फ 32 के स्कोर पर ही 2 विकेट गिर गए। कप्तान रोहित शर्मा सिर्फ 28 रन बनाए और ईशान किशन भी 3 रन बनाकर आउट हो गए। दोस्तों, वीडियो कैसे लगी कॉमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।